हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आंवले की नई रेसिपी लेकर आए हैं। आज हम आंवले का अचार बनाने वाले हैं। आंवले का मुरब्बा तो आपने पिछली वीडियो में देखा था, तो इस वीडियो में हम आंवले का अचार बनाने वाले हैं, इंस्टेंट अचार जिसे आप तुरंत खा सकते हैं बना के। तो इसके लिए मैंने आंवलों को 2 दिन पानी से वॉश कर लिया है और इन्हें मैंने उबालने के लिए चढ़ाया है। अब हमारे आंवले उबलने लगे हैं। आंवलों को हमें सॉफ्ट होने तक उबालना है, जैसा कि हमने मुरब्बे के लिए किया था। सेम वही प्रोसेस हमें दोबारा करना है यहाँ तक। तो अब हमारे आंवले सॉफ्ट हो चुके हैं, गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और आंवले को छलनी की सहायता से हम पानी से बाहर निकाल देंगे। और आंवले का पानी मैंने आपको जैसे पिछली वीडियो में बताया था, इसे हम स्टोर करके रख लेंगे, जिससे हम हेयर वॉश करेंगे, इससे हमारे बाल घने काले लंबे होते हैं। अब आंवले को हम तोड़ कर देखेंगे। आंवला ईजिली टूट रहा है, हमें इसी तरीके का उबला हुआ आंवला चाहिए। तो अब मैंने सारे आंवले को गुठली से अलग कर लिया है। अचार के लिए मसाला तैयार करेंगे, जिसके लिए मैंने एक पैन चढ़ा दिया है। इसके अंदर मैंने मेथी डाली है, थोड़ी सी काली मिर्च डाली है, साबुत मेथी और काली मिर्च, और थोड़ी सी मैंने राई डाली है और सौंफ, और मैंने जीरा डाला है इसमें, करीब आधे चम्मच जीरा है। अब इनको हम ड्राई रोस्ट करेंगे कम आँच के ऊपर। हमें इनका मॉइस्चर ख़त्म करना है मसालों का। रोस्ट होने में ज़्यादा समय नहीं लगता है, ये 2-3 मिनट के अंदर ही इनका मॉइस्चर निकल जाता है। मैंने मसाले को मिक्सी में पीस लिया है दरदरा, इसे हम एक तरफ रख देंगे। अब हम एक कढ़ाई लेंगे। इस कढ़ाई में हम सरसों का तेल डालेंगे, क्योंकि सरसों का तेल ज़्यादा हेल्दी होता है, तो हम सरसों के तेल का इस्तेमाल करेंगे और अचार सरसों के तेल में ही ज़्यादा बढ़िया लगता है। तो तेल हमारा गर्म हो चुका है, तो अब हम इसके अंदर थोड़ी सी हींग डालेंगे। अब इसमें हम थोड़े से साबुत मसाले और डालेंगे, जैसे थोड़ी सी सौंफ, थोड़ी सी राई कलौंजी, और इसके अंदर हम सूखे मसाले डालेंगे, हल्दी और मिर्ची, लाल मिर्च, वो भी हम तेल के अंदर ही डाल देंगे। और धीमी आंच पर इनको हम पकाएंगे। जैसे ही हल्दी और मिर्ची पकती है, इसके अंदर हम हमारे आंवले डाल देंगे। आंवले के फ़ायदे तो मैंने आपको पहले ही बता दिए थे पिछली वीडियो में, मुरब्बे वाली वीडियो में आपने देखा ही होगा। अब ये जो मसाला हमने पीस के रखा था, ये डालेंगे और इसे भी अच्छे से चला देंगे हम तेल के अंदर। हमारे आंवले इसके अंदर हम डाल देंगे और इन्हें भी हम चला देंगे। इसमें हम पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करेंगे, क्योंकि हमें इस अचार को स्टोर भी करके रखना है, तो इसलिए हम इसमें पानी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। इन्हें हम अच्छे से हिलाएंगे ताकि मसाला सारे आंवलों में अच्छे से लग जाए बराबर। आंवले को आप मुरब्बा बना के, अचार बना के स्टोर करते हैं, तो आप इसे हर मौसम में खा सकते हैं। और आंवला हमारे शरीर के लिए फ़ायदा ही फ़ायदा करता है, तो इसलिए हमें आंवले का सेवन करना चाहिए। अब हम इसके अंदर नमक डालेंगे। मिर्ची आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, जितना आप खाते हो उस हिसाब से। अब इसे भी हम अच्छे से मिला देंगे। तो मसाला अब अच्छे से मिल चुका है और नमक भी हमने इसके अंदर डाल दिया, तो अब हम इसे एक साइड निकाल देंगे। तो ये इंस्टेंट अचार रेडी है खाने के लिए, तो मैं आपको इसे सर्व करके दिखाती हूँ। तो आप इसे एक चीनी के जार में भर सकते हैं और आप इसे आराम से फ्रिज में स्टोर करके काफ़ी दिनों तक खा सकते हैं बिना तेल डाले, और मैं आपको इसे तेल डालकर भी दिखाऊँगी अभी। तो ये तो है हमारा बिना तेल का इंस्टेंट अचार, जिसे आप अभी ताज़ा खा सकते हैं, इसे काफ़ी दिन तक स्टोर कर सकते हैं और ये ख़राब भी नहीं होने वाला जल्दी। मैंने इसमें पानी का इस्तेमाल नहीं किया है। अब हम ऑयल डालेंगे इसके अंदर। तो ऑयल पहले मैंने गर्म करने के लिए चढ़ाया है, इसको हमें बहुत ज़्यादा तेज़ गर्म करना है और फिर से इसे ठंडा करना है। तो जब ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए, तो इसके अंदर हम हींग डाल देंगे, क्योंकि हींग का टेस्ट आंवले के अचार में बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। तो हींग का इस्तेमाल अक्सर तेल में होता ही है, तो हमारी हींग भी गर्म हो चुकी है अब तेल के अंदर। तो अब हम तेल को ठंडा होने देंगे और इसको हम अचार के अंदर मिला देंगे और फिर हम इसे स्टोर करके रख सकते हैं। ये अचार ख़राब नहीं होगा और बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगा खाने में। और मेरी रेसिपी आपको पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।